हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स क्रॉस लिमिटेड। गाइज, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में अलॉटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका अलॉटमेंट कब क्या कहते हैं, किया जाएगा, चांसेस कितना परसेंटेज, जिनको अलॉटमेंट नहीं होगा उनके रिफंड्स कब तक क्लेज किया जाएंगे, इस वेबसाइट पर अलॉटमेंट चेकआउट करना है, जीएमबी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आईपीओ जो 11 सितंबर को क्लोज किया गया था, 500 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, 250 करोड़ का फ्रेश इशू और 250 करोड़ का ऑफर फॉर सेल किया गया। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 12 सितंबर का, 16 सितंबर का लिस्टिंग डेट है, बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 228-240 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 62 शेयर्स की लॉट साइज। और इसके अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के इसके रजिस्ट्रार के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है, तो गाइस इस आईपीओ के अलॉटमेंट आप तीन तरह से चेकआउट कर सकते हैं, तीन वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। एक्चुअली आप दो तरह से ही चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे एक्सेप्शन होता है। अगर आपका डीमैट अकाउंट एनएसडीएल था, पहले से चेकआउट कीजिए। अगर आपका डीमैट अकाउंट सीडीएसएल है तो बीएससी पे चेकआउट करना पड़ेगा। और आपका रजिस्ट्रार पे दोनों तरह से आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और वन बाय वन तीनों पर चेक करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग चलेंगे गेम फिटिंग रजिस्ट्रार, जो कि आईपीएल अलॉटमेंट स्टेटस हेडलाइन है। स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे सेलेक्ट आईपीएल का ऑप्शन आ रहा है, उसको क्लिक करना है। यहाँ से कंपनी का नाम शो होगा, जैसे मुथूट, ये एक कुछ एनसीडी का शो कर रहा है, जीएम ग्लोबल फूड्स हो गया, बॉस पैकेजिंग सॉल्यूशंस है, प्रीमियर एनर्जीज, बहुत सारे आईपीएल आपको शो कर, यहीं पर आपको आईपीएल शो कर, लेकिन अभी आपको शो नहीं कर रहा। रीज़न कि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो कब किया जाएगा, आज रात में 9 PM टू 11 PM के बीच में अलॉटमेंट किया जाएगा। और सिर्फ इसी कंपनी का नहीं, बल्कि इस रजिस्ट्रार पे बजाज हाउसिंग फिनांस का भी आईपीओ जो है अलॉटमेंट किया जाएगा इसी रजिस्ट्रार पे। मतलब सेम रजिस्ट्रार पे दो आईपीओ का अलॉटमेंट आ जाएगा, बजाज हाउसिंग फिनांस और क्रॉस लिमिटेड का। तो गाइस आज रात में 9 PM से 11 PM बीच में अलॉटमेंट किया जाएगा। जब भी आएगा तो आपको फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन में शो करेगा, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे जीएम शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं। तीन ऑप्शन है, एप्लीकेशन नंबर, डीमैट अकाउंट, पैन नंबर। अगर आप एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट करते गए तो आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना होगा। अगर आप डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका डीमैट अकाउंट है, अगर आपका एनएसडीएल तो एनएसडीएल सेलेक्ट रहेगा बाय डिफॉल्ट, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पर एनएसडीएल का आईडी फिल करना। अगर आपका डीमैट अकाउंट सीडीएसएल है तो एनएसडीएल पर क्लिक करके सीडीएसएल सेलेक्ट कीजिए और क्लाइंट आईडी की फिल कीजिएगा। अगर आप पैन नंबर सेलेक्ट करते हैं, जो भी आपका पैन नंबर यहाँ पे फिल कीजिए, इमेज में जो नंबर शो कर रहा है वही कैप्चर में फिल करके और सबमिट पे क्लिक कीजिएगा, तो अलॉटमेंट आपको शो कर जाएगा। एनएससी पे तरीका कैसे, हम लोग एनएससी पे आ चुके हैं। और एनएससी का अगर देखा जाए तो स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है क्लिक हियर टू लॉगिन का, इसको क्लिक करना। एक नया विंडो पेज ओपन होगा जो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड से। तो गाइस लॉगिन करने के लिए एक अलग अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसमें अकाउंट क्रिएट किए तो यूज़र नेम फिल कीजिए, जो कि आपका ईमेल आईडी होगा, पासवर्ड फिल कीजिए और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कीजिए। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड, या पासवर्ड रिसेट कर लीजिए। फर्स्ट टाइम विजिट के साइनअप पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट कीजिए और लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद कंपनी का नाम सेलेक्ट कीजिए, एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए और सर्च पे क्लिक कीजिए, तो अलॉटमेंट आपको शो कर जाएगा। अब एनएससी पे बीएससी पे तरीका कैसे, हम लोग बीएससी पे आ चुके हैं। हेडलाइन है स्टेटस ऑफ इशू एप्लीकेशन, इशू टाइप में इक्विटी पे आपको क्लिक करना है। एक नया विंडो पेज आप रिफ्रेश करेगा, जब भी ऐसा कोई एरर आएगा, द पेज यू आर लुकिंग फॉर हैज बीन मूव्ड, तो गाइस इसका ये मतलब कि कुछ एरर आ गया, इसको आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। और रिफ्रेश करने के बाद आप कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पेज वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। इशू नेम में सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ से वो क्रॉस लिमिटेड आपको आईपीओ शो कर, इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, फर्स्ट में एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, सेकंड में पैन नंबर। इन दोनों में से कोई एक डिटेल को फिल करना है, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना और सर्च पे क्लिक करना है, तो अलॉटमेंट आपको शो कर जाएगा कि हुआ है या फिर नहीं। आप प्रमोटर होल्डिंग है प्री इशू 100% का, पोस्ट 67.7% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स 150 करोड़ का फंड रेज कर चुका है, तो चांसेस डिपेंड करता है रिजर्वेशन सब्सक्रिप्शन पे। तो रिजर्वेशन दिया गया QIB को 20%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया, और सब्सक्राइब किया गया QIB से 24.55 टाइम्स का। तो इसमें चांसेस जो है लगभग 2% का चांस है अलॉटमेंट होने का। HNI में 23.4 टाइम्स सब्सक्राइब, इसमें 1% का चांस है अलॉटमेंट होने का। लेकिन रिटेल में 11.23 टाइम का सब्सक्राइब, तो इसमें 3-5% का चांस है अलॉटमेंट होने का। टोटल 17.66 टाइम सब्सक्राइब है, जिसमें से वन टाइम अलॉटमेंट होगा, 16.66 टाइम का एप्लीकेशन कैंसिल करके रिफंड रिलीज कर दिया जाएगा। अब GMP की बात करेंगे तो कंपनी का GMP 50 रुपीज़ का ट्रेंड कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग 21% का एक एवरेज लिस्टिंग, मतलब कि डिसेंट लिस्टिंग मिल रहा है, कोई बहुत अच्छी तो नहीं बोलेंगे बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। जिनको अलॉटमेंट नहीं होगा, रिफंड की बात करेंगे तो रिफंड रिलीज करने का डेट रखा गया 13 सितंबर का, मतलब कल का डेट रखा गया। उसी डेट को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। मंडे को 16 सितंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया, बीएससी एनएससी लिस्टेड किया जा रहा है, जो कि एवरेज डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। आज रात में 9 PM टू 11 PM के बीच में अलॉटमेंट किया जाएगा, सिर्फ क्रॉस लिमिटेड का ही नहीं बल्कि बजाज हाउसिंग फिनांस का भी इस रजिस्ट्रार पर अलॉटमेंट किया जाएगा। और इसी तरह से आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।